पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने उस वर्ल्ड चैंपियन को हराया जिसे हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके एक दिन बाद उनके डिस्क्वालिफिकेशन की खबर सामने आती है जिसे सुनकर पूरा देश मायूस हो जाता है, क्योंकि विनेश फोगाट अपना गोल्ड मेडल मैच नहीं खेल पाई। इसके बाद देशवासियों को मीराबाई चानू की महिलाओं के 59 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट का इंतजार था। खुद मीराबाई चानू ओलंपिक मेडल जीतकर अपने जन्मदिन को खास बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एक बार फिर भारत को दूसरा बड़ा झटका लग गया। बता दें कि मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना शानदार प्रदर्शन कर लोगों को हैरान कर दिया था, लेकिन वो क्लीन एंड जर्क के अपने आखिरी प्रयास में 114 किलोग्राम वजन नहीं उठा सकी और मेडल की रेस से बाहर हो गई। बता दें कि वह कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर चौथे स्थान पर रही और पदक की दौड़ से 1 किलोग्राम से चूक गई। उन्होंने 200 किलोग्राम से अधिक वजन उठाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो सका। क्लीन एंड जर्क राउंड में मीराबाई चानू ने 111 किलोग्राम वजन उठाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरे प्रयास में 111 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठा लिया। आखिरी प्रयास में उन्होंने 114 किलोग्राम वजन उठाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद ये भारत को दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि भारत का मेडल जीतने का सपना टूट गया। खैर, इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।